दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे इसका साइज है ट्वेंटी एट 40 फोर्टी अट्ठाईस बाई चालीस फिट में पूरा मकान डिजाइन किया है जिसमें कार पार्किंग के साथ साथ आपको एक गार्डन भी देखने को मिलता है तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे और इसका कलर कॉम्बिनेशन मैंने जो दिया है वो आप देख सकते वाइट और ब्लू में पूरा मकान डिजाइन किया है अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट कर सकते है। हैं साथ साथ विंडो और जो डोर का कलर है वो ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन है और ये पूरा मकान जो है फ्रंट साइड से ओपन है और साइड में आपका क्लोज्ड है और आप देख सकते हैं फ्रंट का जो एलिवेशन है वो आपको इस तरीके के मिलता है अंदर आपको एक छोटा सा गार्डन मिलता है फ्रंट में आपको एक बेहतरीन सा मिलती है कार पार्किंग अब इस मॉडल को अगर आप पूरा पूर्णतः क्लोज कराना चाहते हैं घर को क्लोज कराना चाहते हैं तो आप आगे मेन डोर लगा सकते हैं हालांकि मैंने उसे नहीं लगाया है वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है तो इस मॉडल को मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए इससे और आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आए आगे मैंने कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रखे हैं प्लांट्स वगैरह आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के येलो कलर के तो ये जो पूरा मकान है ये जो आपका गार्डन घिरा हुआ है ये बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है लगभग पाँच फीट का बाउंड्री वॉल है उससे पूरा गार्डन आपका घेरा हुआ है इसके बाद ये आपका कार पार्किंग है इसमें कि दोनों तरफ स्लोप बीच में स्टेयर्स है इसमें चढ़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो और ये आपको दो पिलर मिलते हैं उस पर आपको बीम का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि आपका कर्वड शेप में है और ये देखिएगा पूरा साइड से भी मैंने ओपन रखा है इससे आपको प्रॉपर मैं दिखा सकूँ अब हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की मैंने इस पर क्या क्रिएट किया है तो जो ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों तो जैसे आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको बड़ी से कार पार्किंग मिल जाती है ये देखिएगा का। ये कार पार्किंग का जो एरिया है लगभग बीस फिट मैंने छोड़ रखा है जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो किसी भी तरीके की कार पार्किंग करने में ये बीस फिट का एरिया फिर इसका जस्ट साइड में आपका एक छोटा सा गार्डन आपको देखने को मिलता है जैसा कि मैंने बताया यहाँ से आप एंट्री करेंगे ये आपका गार्डन है आ, प्ले ग्राउंड भी बोल सकते हैं ये बेहतरीन सा इसके बाद जो मेन एंट्री होती है आपकी इस डोर से एंट्री होती है यहाँ से आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप पहुँच जाते हैं अपने आंगन में या डाइनिंग हॉल में इसी को आप एज अ डाइनिंग हॉल भी यूज कर सकते हैं अब यहाँ से पूरे घर में आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ से देखिए ये पहले जो दो बेडरूम आपको मैं समझा देता हूँ इस कॉर्नर पर है और उसके एग्जस्ट बगल में है ये दोनों बेडरूम से इसके लिए अलग अलग डोर दिया हुआ है अब बात करते हैं इस बेडरूम में जैसे आप एंट्री करते हो तो इस बेडरूम के साथ अटैच लेट एंड बात एक मैंने बड़ा सा दिया है ये देखिएगा मैंने यहाँ पर डोर दिया है यहाँ पे इसे एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से और ये आपका किचन है बड़ा सा किचन मैंने ये आंगन से आप एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से डोर दिया है इसे एक्सेस कर पाएंगे अब बात करते हैं लेट एंड बात के ये सामने जो विंडो है यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का विंडो लगवाना होगा क्योंकि यहाँ पर बाथरूम है इस वजह से आप इस बाथरूम को अपने ग्रा, प्ले ग्राउंड जो मैंने बनाया ग्राउंड यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ डोर लगा दें अगर आप विंडो पर चंद्र नहीं है सो हटा करके अगर आप रूम से नहीं एक्सेस देना चाहते हैं एंड बात का कमांड नहीं करना चाहते हैं तो बाहर से जो प्ले ग्राउंड है यहाँ पर आप एक डोर लगवाइएगा तो आप इसे बाहर से एक्सेस कर पाएंगे अब बात करते फिर उसी कॉर्नर पर यहाँ पर आ जाते हैं आंगन में और आपको इस कॉर्नर पर फिर से एक बेडरूम देखने को मिल जाता है इस बेडरूम के और इस कॉर्नर के बेडरूम के बीच में आपको एक लेटरन बाथ और मिल जाता है तो इस घर में जो कि 28 बाई 40 फुट में बना है दो लेटरन बाथ एक किचन तीन बेडरूम पोर्च और पोर्च कह रहे सॉरी मैं डाइनिंग हॉल और आपको एक प्ले ग्राउंड कार पार्किंग वगैरह देखने को मिलती है बात करें इधर की तो ये आपकी स्टेयर्स है जिससे आप चलना स्टार्ट होंगे टर्न होंगे फिर से आप ऊपर पहुंच जाएंगे अपने फर्स्ट फ्लोर पे तो ये देखिएगा तीन बेडरूम दो लेटरिन बाथ किचन के साथ और साथ साथ आपका प्ले ग्राउंड और आपकी कार पार्किंग के साथ ये तीस सॉरी अट्ठाईस बाई चालीस फिट में पूरा मकान डिजाइन हुआ है मैं और इसे जूम करके दिखाता हूँ जैसे आपको उसको और चीज़ें समझ में आए प्रॉपर तरीके से इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आए तो ये देखिएगा ये आप जो ब्लू कलर की पट्टी देख रहे हैं ये दोस्तों डिजाइनिंग के पर्पज़ से ये आप आदमी बनवा सकते हैं तो ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से आप अट्ठाईस बाई चालीस फिट का ग्राउंड फ्लोर अब बात करते हैं इसके फर्स्ट और लास्ट फ्लोर के तो जैसा कि आप पहले भी देख चुके साढ़े तीन फिट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल इसके बाद जो ग्रिल मैंने बनाई है जो रेलिंग बनाई है उसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि सबसे पहले इधर देखो ये ग्रिल जो बना है ये आयरन का इसमें मैंने ब्लू कलर दिया है वहाँ पर आगे वाला जो पोर्स टाइप को आपको दिख रहा है ये राउंड शेप में ग्रिल बनी हुई है इसके बाद यहाँ पर आपका ग्रिल लगा है वो भी सिमिलर है तो ये एक बेहतरीन सा प्लान अट्ठाईस बाई चालीस मिनट में बनकर रेडी हो जाता है और अगर कोई भी आपका डाउट है किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों स्माल हाउस प्लान को तो जरूर कर लें कोई भी अगर आप मॉडल बनवाते हैं तो यहाँ पर आप आइएगा कोई भी घर बनवाने बनवाते हैं तो आप यहाँ पर आइएगा तो आपको एक बेहतरीन सा डिजाइन देखने को मिलेगा और आप उसे सिलेक्ट करके बनवा सकते हैं तो मॉडल आपको कैसा लगा है मैं जरूर वीडियो लाइक से जरूर करते कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब टाइम नहीं किया तो जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग